नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद टॉनिक। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों आज है 11 दिसंबर और सुबह के 9:15 है। आज मार्केट ऑफ रहेगा क्योंकि आज सैटरडे है, वीकली ऑफ है। तो बेसिकली बकरंगी के बारे में बात करने से पहले अगर आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए बकरंगी के बारे में मैंने समय समय पर आपको अपडेशन दी है, समय समय पर शेयर के अंदर बायो सेल का कॉल दिया आपको। तो आप डेफिनेटली बकरंगी के अंदर जो आप ट्रेंडिंग दिख रहा है उस टाइम पे, जो डाउनफॉल के बाद गिरावट के ऊपर अब ट्रेंडिंग आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब इसके अंदर आपको जो होल्डिंग है बना के रखना, आपको बेचना बिल्कुल नहीं है। इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकता है अब इस टाइम पे, इस लेवल पे आप समझ से इसके अंदर चल के आ रहे हैं। बकरंगी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, आपको समझा चुका है कि ये डिजिटल जो भी ये डिजिटल का जो भी यानी टेक्नोलॉजी जो भी वर्क होता है, यानी कि पेमेंट निकालना, गेटवे, ये सब चीज़ें कंपनियां काम है, ठीक है ना। बकरंगी के अंदर क्या काम होता है, जैसे ग्राहक सेवा केंद्र लाइक बैंकिंग का काम करती है बकरंगी एक तरह से, ठीक है ना। ये ना बकरंगी केंद्र, तो बकरंगी का काम यही है। बकरंगी इंश्योरेंस में भी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर है बकरंगी, काफ़ी मल्टीपल सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है ना। तो बकरंगी टैगलाइन भी यही है, वन सॉल्यूशन ऑल, ऐसे कुछ है इनका, ठीक है ना। वीडियो कंसल्टेंसी ये बकरंगी का, हेल्थ वाला भी है इनका। तो बकरंगी इस तरह में काम करती है। तो ये ओवर मोटा मोटा व्यू मैंने पहले वीडियो अपने समझाया बकरंगी के बारे में, तो आपको समझ आ चुका है। बकरंगी बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फाइनेंस को लेके, हेल्थ को लेके, ठीक है, इन सब चीज़ के अंदर ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सर्विस इनकी देख लिया थोड़ा थोड़ा मोटा समझ, ATM, ई-कॉमर्स और ये सब चीज़ों का। तो आप समझते हैं बकरंगी चल क्या रहा है। तो देखिए कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन इसके अंदर क्या रहा, ये 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। तेज़ी की वजह भी समझेंगे, कंपनी कब से है, 1990 से कंपनी है। ओपन होता है 36.20 रुपये पे, हाई मारता 37.80 रुपये का, लो मारा 35.80 रुपये का। 52 हाई है इसका, 70 रुपये मान लीजिए हम, 69.85, 50 लो है 29.15 रुपये का। कल के दिन इसने 2% की तेजी से बंद हुआ है। 5 दिन में इसने कितने रिटर्न दिया, 8% का रिटर्न दे चुका है 5 दिन के अंदर। 1 मंथ के अंदर अभी तक इन्हें माइनस में 1% 1.46% रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ के अंदर अभी तक इन्हें 28.75% रिटर्न दिया माइनस में। ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इसने 43.61% माइनस में रिटर्न दिया अभी तक इसने। तो इसके ओवरव्यू तो आप इसके अंदर समझते हो और क्या चल रहा है। ये देखिए मैं NSE साइड पर बकरंगी के अंदर कल के दिन जो डिलीवरी उठाई गई थी वो उठाई गई थी 37.55% इसमें कल के दिन डिलीवरी उठा दी गई थी, ठीक है ना। होल्डिंग में गया शेयर कल के दिन में, देख रहे हैं 10 दिसंबर 2021। अब बकरंगी के अंदर मनी कंट्रोल साइड पर एनालाइजर में बोले इसमें 100% बाय करने के लिए। अब देखिए बकरंगी के अंदर इसके थोड़ा सा शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो इस प्रमोटर के पास है 42.6, DIFIs के पास है 8.39, DIIs के पास है 6.36 और पब्लिक के पास है 42.65। ये होल्डिंग है पब्लिक के पास। तो ये हाँ बकरंगी के अंदर दो हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी, बकरंगी टाइज विथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग टू ऑफर कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस। तो चॉइस इक्विटी के साथ बकरंगी का टाई हुआ है, यानी कि टाइस होने के बाद बकरंगी के पास सॉल्यूशन हो गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का सारा सॉल्यूशन दे रही है आपको बकरंगी, ठीक है ना। देखो बकरंगी केंद्र विल बी द वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये इनका टैगलाइन हो गया, यानी कि दो फ्राइडे वाले दिन लास्ट वीक इसके अंदर जो हुआ था इस अनाउंसमेंट के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली है। देखिए कंपनी डे बाई डे कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे उनके डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ हो, तो कंपनी इस पर फोकस रख रही है। तो बेसिकली हर कंपनी फोकस होती है। और क्वार्टर टू के बारे में मैंने बताया था, क्वार्टर टू का रिजल्ट इनका इतना सही नहीं, ख़राब भी नहीं आता ना, सही आया था, बाकी इतना था कि एवरेज से काफ़ी अच्छा था। अब चलते इसके चार्ट के अंदर चल क्या रहा है। देखिए मैंने डेली चार्ट इसका ओपन कर रखा था, डेली चार्ट के अंदर देखिए इसके अंदर चल क्या रहा है। ये देखिए किस तरह से ये, यानी कि आज ये, यानी कि ये देखिए, यानी कि 15 डेज के हाइस पे चल रहा है, यानी कि 15 डेज के ट्रेडिंग सेशन के हाइस पे चला गया ये। ये देखिए 24 नवंबर को आया था इतने हाइस पे, उसके बाद ये कल के दिन इसने सारे हाफ ट्रेंडिंग तरफ हो गया और 2 डेज के हाइस पे, 3 डेज के हाइस पे कल पे दिन में ट्रेड कर रहा था ये। तो ये देखिए किस तरह से स्लाइडली होकर अब ट्रेंडिंग तरफ आ चुका है। ये देखिए किस तरह से स्लाइडली होकर अब ट्रेंडिंग, और यहाँ पे देखिए 21 डेज के पहले एवरेज मूव को 7 डेज क्रॉस मूविंग करेगी। ये देखिए MSCD पे किस तरह से अब ट्रेंडिंग आ रहा है इसके अंदर, MSCD के अंदर, ये MSCD के अंदर देख सकते हैं आप किस तरह से स्लाइडली अप ट्रेंडिंग आ चुका है। RSI पे अप ट्रेंडिंग 50 के अबव चल रहा है, 86 का नीचे जा चुका है। इसका मतलब इसमें तेज़ी के डाउनफॉल दिख रहे हैं, और जिस तरह से
स्लाइटली होके यानी साइलेंटली जिस तरह से गिरावट को रिकवर होके अब ट्रेंडिंग तरफ वापस जा रहा है, यानी रिवर्सल अप ट्रेंडिंग तरफ वापस आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको क्या करना है, अभी आप फ्लैश बैंग कर सकते हैं, 35 रुपये का स्टॉप लॉस से बाय करिए आप, ठीक है ना। 35 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, तो पहला टारगेट तो नियर बाय का इसका 40 का होगा, दूसरा टारगेट 45 का। पहले दोनों टारगेट आप बाय करिए, पैसा और इसे लंबे टर्म के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 60 रुपये तक के लेवल देखा है और 60 रुपये के लेवल इसके 4 मंथ्स के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अप ट्रेंडिंग तरफ आएगा तो डेफिनेटली इसमें जो गिरावट है वो गिरावट के बाद ये अप ट्रेंडिंग तरफ आएगा, तो डेफिनेटली आपको दिखा सकते हैं। तो ये कैंडल कितने की है, 46 की, कब आई थी 11 अक्टूबर के मंथ में इसमें 46 तक के लेवल देख चुके हैं। तो ये वापस एक रिवर्सल होगा, वापस गिरावट पूरी करेगा ये अपनी, देखिए तो गिरावट को पूरा करने का, तो अब फिर से अप ट्रेंडिंग तरफ आ चुका, तो डेफिनेटली इसमें आपको कितने का स्टॉप लॉस है, इसमें 35 का स्टॉप लॉस लेके इसमें बाय करिए, पहला टारगेट 40 का, दूसरा टारगेट 45 का, दो टारगेट आप बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए, ठीक है। 15 से 20 दिन में दोनों टारगेट हिट होंगे, जिस तरह से आप डाउन अप फॉल आ दिख रहा है इसके अंदर, देखिए किस तरह से वीकली चार्ट पे भी RSI का इंडिकेशन अप ट्रेंडिंग तरफ दिखा है, और ये देखिए किस तरह से स्लाइटली क्लोज मूविंग की तैयार है MACD पे, तो वीकली चार्ट पे भी इंडिकेशन आ रहा है, डेली चार्ट पे भी इंडिकेशन आ रहा है। तो आपको दो टारगेट बाय करना है, 20 से 25 दिन के दोनों टारगेट हिट होंगे, पहला टारगेट 40 का, दूसरा टारगेट 45 का, दोनों टारगेट बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए। बाकी शेयर काफ़ी अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आपको अच्छे रिटर्न देगा आने वाले टाइम पे, अच्छी इसमें अच्छे खासे, क्योंकि IT सेक्टर का शेयर है, डेफिनेटली इसमें आप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।